हेलो दोस्तों, मेरा नाम धीरज और मैं इस चैनल में न्यू क्रिएटर्स की हेल्प करने के लिए वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूं। हमारे एक रेगुलर व्यूवर जिनका नाम है गॉड सुल्तान राहुल, वो काफ़ी टाइम से मेरे वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि स्पाई पीडिया जैसा शॉर्ट्स कैसे एडिट करें। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम एक नए टाइप के शॉर्ट्स की एडिटिंग सीखते हैं। सबसे पहले आप एक छोटा सा प्रीव्यू देख लीजिए, उसके बाद हम इसकी एडिटिंग सीखते हैं। आलिया को अल्लू अर्जुन के साथ एक साउथ की मूवी ऑफर हुई, तब आलिया ने घमंड में आकर कहा, ये अल्लू अर्जुन कौन है, मैं जानती तक नहीं, मैं इसके साथ फिल्म कैसे करूं। पर आज इसी अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा का कमाल देखिए। आलिया भट्ट कहती है कि मैं अल्लू अर्जुन की बहुत बड़ी फैन हूं और मैं जल्द से जल्द उनके साथ काम करना चाहती हूं। फिलहाल आलिया ने SS राजामौली की फिल्म RRR में साउथ से डेब्यू कर लिया। आलिया को अल्लू अर्जुन के साथ एक साउथ की मूवी ऑफर हुई, तब आलिया ने घमंड में आके कहा, ये अल्लू अर्जुन कौन है, मैं जानती तक नहीं, मैं इसके साथ फिल्म कैसे करूं। पर आज इसी अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा का कमाल देखिए। आलिया भट्ट कहती है कि मैं अल्लू अर्जुन की बहुत बड़ी फैन हूं और मैं जल्द से जल्द इनके साथ काम करना चाहती हूं। सबसे पहले दोस्तों हम PicsArt एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और यहां पर हम PicsArt एप्लीकेशन से किसी भी इमेज का बैकग्राउंड को रिमूव करेंगे और उसको PNG में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए दोस्तों सिंपली जाना, आपको PicsArt एप्लीकेशन को ओपन करना है और यहाँ पे आपको एक खाली बैकग्राउंड ले लेना है। इसके बाद जाना है आपको ऐड फोटो में और यहाँ से आपको उस इमेज को ले लेना है जिसको कि आपको PNG में कन्वर्ट करना है, जिसका बैकग्राउंड आपको रिमूव करना है। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों मैं इस वाली इमेज को ले लेता हूँ। अब इसके बाद दोस्तों देखते हैं, यहाँ पर सिंपली आपको राइट साइड में दिखता है रिमूव बैकग्राउंड, तो सिंपली आप इसमें क्लिक कर लेंगे जिससे कि आपका बैकग्राउंड ये रिमूव कर देगा। इसके बाद दोस्तों सिंपली जाना है उसके आपको बॉर्डर में, और बॉर्डर में जो कलर भी आप करना चाहते हैं वो कलर को यहाँ पे आपको चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ से थोड़ा इसका साइज कम कर लेना है। इसके बाद जाना आपको इसके शैडो में, और जो कलर आपने बैकग्राउंड में लिया था वही कलर आपको यहाँ पे चूज कर लेना है और इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है। तो इसी तरह से दोस्तों आपको सारे PNG बना लेना है। स्टार्टिंग में दोस्तों जो आपने शॉर्ट्स देखा था उसमें मैंने जितने भी PNG यूज़ किए थे आलिया भट्ट के और अल्लू अर्जुन के, वो सारे मैंने इसी तरह से बना रखे, तो सेम आपको ऐसे ही बना लेना है। इसके बाद सिंपली यहाँ से आपको सेव कर लेना है। इसके बाद जाना आपको KineMaster एप्लीकेशन में, यहाँ पर आपको क्रिएट न्यू में क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपने शॉर्ट्स के लिए एक्सपेक्ट रेशियो ले लेना है, जो भी आप लेना चाहते हैं यहाँ से। इसके बाद सिंपली आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जो भी इमेज आपने डाउनलोड कर रखा है बैकग्राउंड के लिए, उन सभी इमेज को आपको एक साथ में यहाँ पे ले लेना है। इसके बाद आपको इन सभी इमेज में पेन एंड जूम का इफेक्ट लगा लेना है कुछ इस तरह से। इसके बाद जाना आपको लेयर में, फिर जाना आपको इफेक्ट में, और यहाँ से आपको ब्लर वाला जो इफेक्ट है उसको यहाँ पे ले लेना है। इसके बाद आपको इसकी सेटिंग में क्लिक करनी है और यहाँ से आपको इसके स्ट्रेंथ को थोड़ा बढ़ा लेना है। इसके बाद जाना आपको लेयर में और फिर जाना आपको मीडिया में, और जितने भी आपने PNG कन्वर्ट कर रखे हैं उन सभी को आपको ऐसे यूज करना है अपने वीडियो के अकॉर्डिंग। इसके बाद जाना आपको इसके इन एनिमेशन में, यहाँ पर आपको इसका इन एनिमेशन लगा देना है जो भी आप लगाना चाहते हैं। इसके बाद जाना आपको इसके ओवरऑल एनिमेशन में, और यहाँ से भी आपको कोई सा भी एनिमेशन चूज कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपने देखा था मैंने शॉर्ट्स में एक जगह पे क्वेश्चन मार्क का मैंने स्टिकर लगाया हुआ था, तो मैं आपको भी लगा के दिखा देता हूँ। तो सिंपली जाना आपको लेयर में और फिर जाना आपको स्टिकर में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कार्टून स्टिकर करके एक स्टिकर है जिसका मैंने यूज कर रखा था, तो सिंपली आप इसको जाके गेट मोर में डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं मीडिया में गया और यहाँ पे मैंने कुछ फुटेज डाउनलोड कर रखे हैं लड़की के, जो कि आपने वीडियो में देखा ही होगा, तो सिंपली हमें इसको भी यहाँ पे यूज कर लेना है और सिंपली इसी तरह से आपको इसमें पेन एंड जूम का इफेक्ट भी लगा लेना है। और इसी तरह से आपने एंड में देखा होगा मैंने यहाँ पे PNG कई सारे लगा रखा है और सब में मैंने इन एनिमेशन लगा रखा है और ओवरऑल एनिमेशन लगा रखा है। इसके बाद दोस्तों इसमें थोड़ा सा ग्लिच के जैसे इफेक्ट लगा हुआ था, तो वो भी मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ।
तो इसके लिए सिंपली जाना आपको लेयर में और फिर जाना आपको स्टिकर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ज्योमेट्री लेबल्स करके स्टिकर का नाम है, तो यहाँ से इस वाले स्टिकर को आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपको पूरा शॉर्ट्स एडिट कर लेना है। तो चलिए अब मैं उस ट्रैक को प्ले करके दिखाता हूँ जो कि मैंने एडिट किया था। आलिया को अल्लू अर्जुन के साथ एक साउथ की मूवी ऑफर हुई, तब आलिया ने घमंड में आके कहा, ये अल्लू अर्जुन कौन है, मैं जानती तक नहीं, मैं इसके साथ फिल्म कैसे करूं। पर आज इसी अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा का कमाल देखिए। आलिया भट्ट कहती है कि मैं अल्लू अर्जुन की बहुत बड़ी फैन हूं और मैं जल्द से जल्द इनके साथ काम करना चाहती हूं। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। इसी तरह की शॉर्ट्स की एडिटिंग सीखने के लिए लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट में क्लिक कीजिए।